क्या आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो अपने YouTube वीडियोस में पर वो कोई देख ही नहीं रहा? आज हम बात करेंगे आई कैची थंबनेल्स पे जो आपके व्यूअर्स को क्लिक करने में मजबूर कर देगा। मेरा एक वीडियो एक्चुअली स्टार्टिंग में फेल हो गया था, सडनली इस पे व्यूज आने लगे एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रॉस 200K व्यूज। मैंने बस इस पॉइंट पे मेरा थंबनेल को चेंज किया और मेरा क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया, जिससे मेरा YouTube वीडियो का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ गया। बट मैंने ऐसा क्या किया मेरे नए थंबनेल पे? इस वीडियो में मैं आपको मेरा फुल प्रूफ 4-स्टेप थंबनेल मेकिंग प्रोसेस को रिवील करूंगा, 3 पॉपुलर YouTube क्रिएटर्स के थंबनेल को डिकोड करेंगे, हाउ टू क्रिएट योर ब्रांड आइडेंटिटी वाया थंबनेल, और फाइनली मैं खुद एक लाइव थंबनेल को एडिट करूंगा मेरे फोन में, दैट विल टेक लेस देन 5 मिनट्स। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाई अ ग्रेट थंबनेल मैटर्स, इट इंप्रूव्स CTR। आपको तो पता है कि एक स्क्रिप्ट में हुक का इंपॉर्टेंट बहुत होता है, और वैसे ही एक अपीलिंग थंबनेल आपका एक विजुअल हुक बन जाता है, जिससे आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पाते हो व्हाइल स्क्रॉलिंग वीडियोस। इससे आपका CTR इंक्रीज होगा, लीडिंग टू मोर व्यूज एंड ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस ऑन द प्लेटफॉर्म। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि समझो आपका YouTube वीडियो 100 लोगों को दिखाया और उसमें से 8 लोगों ने आपके वीडियो पे क्लिक किया टू वॉच, मतलब आपका CTR हुआ 8%। आपका गोल होना चाहिए टू इंक्रीज योर CTR थ्रू थंबनेल एंड टाइटल। टाइटल पे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने नीश के कॉम्पिटिटर्स के साथ ही कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप यूट्यूब के टॉप क्रिएटर्स के थंबनेल के साथ कम्पीट कर रहे हो। दैट कुड बी मिस्टर बीस्ट, मिस्टर हूज द बॉस, अंकुर वारिकू, अली अब्दाल एक्सेट्रा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका थंबनेल अगर ब्राइट वेल लिट हो तो लोग आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे एंड वॉच द वीडियो। अ ग्रेट थंबनेल सेट्स द राइट एक्सपेक्टेशंस फॉर द वीडियो। अगर आपका थंबनेल मिसलीडिंग है और वो आपके कंटेंट को मैच नहीं करता, तो पहले तो आप अपने व्यूअर्स का ट्रस्ट तोड़ दोगे और फिर वो आपका वीडियो बीच में से छोड़ के चले जाएंगे, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन नेगेटिवली अफेक्ट होगा। इसीलिए एक एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव थंबनेल आपके पोटेंशियल ऑडियंस को एक प्रीव्यू देता है, सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस फॉर द वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर हूज द बॉस के इस थंबनेल से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इट्स अ कैमरा कंपैरिजन वीडियो ऑफ सैमसंग S23 अल्ट्रा वर्सेस iPhone 14 प्रो। अ ग्रेट थंबनेल बूस्ट वॉच टाइम एंड एंगेजमेंट। पर ये कैसे पॉसिबल है? वॉच टाइम और एंगेजमेंट तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है ना? यस, बट अगर आपका थंबनेल वेल डिजाइंड हो तो वो ऑडियंस को थंबनेल पे क्लिक करने में ही हेल्प नहीं करेगा, वो उनको एनकरेज करेगा टू वॉच द वीडियो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इस थंबनेल में आपको क्लियरली दिख रहा है एक बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी को वो एंड रिजल्ट सीखना होगा तो वो ट्यूटोरियल वीडियो एंड तक देखेगा, बिकॉज थंबनेल में वो क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन डिपिक्ट किया है। अ ग्रेट थंबनेल एनहांसेस ब्रांडिंग। आपकी कंसिस्टेंट थंबनेल डिजाइन, कलर्स और फॉन्ट्स आपके चैनल की एक विजुअल आइडेंटिटी है। इतने सारे काउंटलेस वीडियोस में एक व्यूअर आपका कंटेंट इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर आपके थंबनेल में आपके ब्रांडिंग एलिमेंट्स हो। आइए समझते हैं 3 पॉपुलर यूट्यूबर्स के थंबनेल ब्रांडिंग एलिमेंट्स को। फर्स्ट, मिस्टर बीस्ट। अगर आप मिस्टर बीस्ट के थंबनेल को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें 3 स्ट्राइकिंग ब्रांडिंग एलिमेंट्स है जो उसके हर एक थंबनेल में है। फर्स्ट, ओवर द टॉप फेशियल एक्सप्रेशंस। सेकंड, वाइब्रेंट कलर्स। थर्ड, हाई स्टेक्स विजुअल्स जो रियलिटी में शायद पॉसिबल भी ना हो। फॉर एग्जांपल, आप ये थंबनेल को देखो, इट लुक्स लाइक वो पानी के अंदर है विद शार्क्स। इससे लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी जगती है। सेकंड, माय फेवरेट मार्कस ब्राउनली। उसके थंबनेल में ये 3 ब्रांडिंग एलिमेंट्स होते हैं। क्लीन हाई क्वालिटी फोटोज, मोस्टली शोकेसेस द टेक प्रोडक्ट्स जिस पे वो वीडियो है। यूज ऑफ द सपोर्टिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक दिस एरो और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी इतनी स्ट्रांग ब्रांड आइडेंटिटी है कि हजारों वीडियो में से आप इजीली स्पॉट कर सकते हो कि ये MKBHD का वीडियो है। लेट्स सी मैट डेवेलास ब्रांडिंग एलिमेंट्स इन हिज थंबनेल्स। फर्स्ट, मिनिमल फोटोज। सेकंड, एस्थेटिक एडिट। थर्ड, सिंपल येट एंगेजिंग विजुअल्स। इसके थंबनेल में एक मिनिमल और स्टाइलाइज्ड लुक होता है व्हिच आई पर्सनली लाइक, पर उसकी एक स्ट्रॉन्ग विजुअल एस्थेटिक है जो उसके हर फोटो में दिखाई देगी। ये तो पता चल गया कि ब्रांडिंग एलिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू थंबनेल, बट इसको अचीव कैसे करें? हाउ टू क्रिएट आवर ओन यूनिक आइडेंटिटी थ्रू थंबनेल। फेस वर्सेस फेसलेस थंबनेल। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको खुद के फेस वाले थंबनेल चाहिए या फेसलेस। अगर आपका एक कुकिंग, टेक, DIY, आर्ट्स, बुक्स चैनल है तो आपका प्रोडक्ट ही आपका मेन एलिमेंट होगा इन योर थंबनेल। इन दैट केस, अगर आप एक प्रोडक्ट को शूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अ टेक प्रोडक्ट और अ कुकिंग डिश, तो आपको बस अच्छे लाइटिंग कंडीशन में एक हाई क्वालिटी इमेज को शूट करना है। बट अगर आपका व्लॉग, ट्रैवल, एजुकेशन, कॉमेडी चैनल है तो आपको अपना फेस ऐड करना पड़ेगा इन योर थंबनेल। इन दिस केस आपको खुद के 5 से 10 फोटोज को बैच शूट करना है विद अ प्लेन बैकग्राउंड विद डिफरेंट इमोशंस। इमोशंस कुड बी सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस, एंगर एक्सेट्रा। फिर आप अपने फ्यूचर वीडियो टॉपिक्स के हिसाब से अपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो फॉर द थंबनेल। आप सरप्राइज हो जाओगे कि YouTube एल्गोरिदम आपके थंबनेल में हर चीज को नोट करता है, इवन योर एक्सप्रेशन। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो गो टू vision.ai, ट्राई द API पे इमेज को ऐड करो। मैंने मेरे एक थंबनेल को ऐड किया, इसमें आप देख सकते हो कि API ने जॉय को 5 स्टार्स दिया है, बाकी सब सौरव, एंगर, सरप्राइज में 0 स्टार्स दिया है। मतलब वो क्लियरली मेरे एक्सप्रेशन को डिपिक्ट कर पा रहा है। लेबल्स, हैंड, प्रोडक्ट, बियर्ड, जैसे
जेस्चर, फिंगर, स्माइल, टी शर्ट सब कुछ डिकोड करता है। टेक्स्ट में ब्लॉक वाइज ब्लॉक वन मेक वायरल वीडियोस, ब्लॉक टू ए अडोबी का लोगो, ब्लॉक थ्री सी कैनवा का लोगो, फिर सेफ सर्च। स्पूफ को 4 स्टार्स दिया है बिकॉज ये एडल्ट मेडिकल वायलेंस में नहीं आता। आपका हर एक एलिमेंट एल्गोरिदम डिकोड करता है, सो मेक श्योर आप कुछ ऐसा ना लिखो कि वो यूट्यूब गाइडलाइंस के बाहर हो। ब्रांडिंग एलिमेंट्स का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू चूज योर ब्रांड कलर्स, एक बैकग्राउंड के लिए और एक टेक्स्ट के लिए। अगर आप मेरे थंबनेल का कलर पैलेट को देखोगे तो वो ये है, व्हाइट एंड येलो फॉर टेक्स्ट एंड नेवी ब्लू फॉर बैकग्राउंड। इसके लिए आपको बेसिक कलर थियरी की नॉलेज होनी चाहिए। रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर्स है और ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज सेकेंडरी कलर्स है। आपको अपने थंबनेल के लिए कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को चूज करना है, दैट इज ये सर्कल के अपोजिट कलर्स। मेरे केस में दैट इज ब्लू वर्सेस येलो और ऑरेंज। अगर आपको खुद को एक नया फ्रेश कलर कॉन्ट्रास्ट पैलेट को चूज करना हो, देन गो टू coolers.co, उसमें क्लिक करो कॉन्ट्रास्ट चेकर, अपना बैकग्राउंड कलर को चूज करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज किया ग्रीन, अब मैं चूज करूंगा टेक्स्ट कलर से व्हाइट। आप देख सकते हो इसमें स्कोर वेरी पुअर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑडियंस को आपके थंबनेल में टेक्स्ट क्लियर नहीं दिखेगा। आपको क्लिक करना है क्लिक टू फिक्स एडजस्ट बैकग्राउंड कलर। उसने बैकग्राउंड कलर ग्रीन को डार्क कर दिया और अब कलर कॉन्ट्रास्ट परफेक्ट है फॉर पीपल टू रीड टेक्स्ट ऑन माई थंबनेल। ये एक फ्री टूल है, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो आपको अगर खुद का नया कॉन्ट्रास्ट कलर पैलेट को डेवलप करना हो। नेक्स्ट आपको अपने ब्रांडिंग एलिमेंट्स में फॉन्ट्स को चूज करना है। अगेन आप coolers.co में जाके फॉन्ट्स पे क्लिक करो। मैं सैंस सेरिफ में जाऊंगा एंड आई विल चूज एंटन। मैं फ्री में डाउनलोड कर दूंगा और मेरा फॉन्ट रेडी। अभी मैं उसको फोटोशॉप में इंस्टॉल करके मेरे थंबनेल में यूज कर सकता हूं। आपको बेसिकली बोल्ड फॉन्ट्स को चूज करना है जिससे आपका टेक्स्ट क्लियरली विजिबल हो। अब तक अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो। आपने खुद के ब्रांडिंग एलिमेंट्स तो क्रिएट कर दिया, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माय 4-स्टेप प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग थंबनेल नो मैटर व्हाट द नीश। फर्स्ट, सिलेक्ट अ बैकग्राउंड और इमेज। आपको अपने ब्रांडिंग के हिसाब से अपने बैकग्राउंड को चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रांड कलर है डार्क ग्रीन तो आपको गूगल करना है डार्क ग्रीन ग्रेडियंट बैकग्राउंड और जो भी पसंद आए उसको डाउनलोड कर दो। ऑलवेज चूज ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर्स ओवर सॉलिड कलर्स, वो एक इंटरेस्टिंग लुक देता है आपके थंबनेल में। अगर आपको हाई क्वालिटी बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए वो भी फ्री में, देन यूज अनस्प्लैश। अभी एक बार आपने बैकग्राउंड इमेज को चूज कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एड अ क्लियर फोकल पॉइंट। एक कुकिंग चैनल के लिए टेम्पटिंग फिनिश डिश का फोटो उसका क्लियर फोकल पॉइंट है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका फोकल पॉइंट वेल लिट हो। अगर आपके ब्रांडिंग में आप खुद हो तो आपका फोकल पॉइंट शुड बी योर इमेज विद रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस जो आपने पहले ही बैच शूट कर दिया हो। मैं मेरे पूरे वीडियो को शूट करने के बाद वही लाइटिंग में मेरा माइक निकाल के फोटोज को शूट करता हूँ विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। आई शूट रॉ इमेजेस और फिर मैं उसे लाइटरूम में एडिट करता हूँ। एक बार आपने फोकल पॉइंट को ऐड कर दिया, टाइम टू ऐड टेक्स्ट। आपका टेक्स्ट शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। आपको अपने मैसेज को सिंप्लीफाई करना है इन मैक्सिमम 4 वर्ड्स बिकॉज छोटे स्क्रीन में बहुत सारे टेक्स्ट आपके थंबनेल को क्लमजी बना देगा विच इज नॉट इवन रीडेबल। आप एक स्टोरी बताओ थ्रू योर थंबनेल एंड ट्राई टू जनरेट क्यूरियोसिटी इन 3 or max 4 words। ऑलवेज यूज बोल्ड एंड रीडेबल फॉन्ट। आप ड्रॉप शैडो को ऐड कर सकते हो अपने फॉन्ट में टू क्लियरली डिफरेंशिएट फ्रॉम द बैकग्राउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है एंड नॉट इन बॉटम राइट बिकॉज वो यूट्यूब के टाइम स्टैम्प्स के साथ ओवरलैप करेगा और आपका टेक्स्ट फिर रीडेबल नहीं होगा। द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज टू ऐड सपोर्टिंग विजुअल एलिमेंट्स। आप लोगोज और आइकॉन्स को ऐड कर सकते हो जिसका यूनिवर्सल अपील हो, लाइक $ यूट्यूब और इंस्टाग्राम लोगो। अगर आपका वीडियो इंस्टाग्राम ग्रोथ पे है तो आप अपने इंस्टाग्राम इनसाइट्स के स्क्रीनशॉट को ऐड करो, इंस्टाग्राम के लोगो को ऐड करो एंड यूज एरोज लाइक दीज टू ग्रैब अटेंशन ऑफ द व्यूअर। एक बार आपने सपोर्टिंग एलिमेंट्स को ऐड किया तो आपका थंबनेल रेडी। बट और एक स्टेप बाकी है, आपको चेक करना है कि क्या आपका थंबनेल छोटे मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा। ओपन thumbsuptv.com, मैंने ऐड योर थंबनेल। यहां पे आपको दिख जाएगा कि आपका थंबनेल छोटे स्क्रीन में व्यूएबल है कि नहीं, क्या आपका कलर कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर है, क्या आपका टेक्स्ट रीडेबल है, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स शो यू अ डेमो ऑफ हाउ आई क्रिएट थंबनेल इन लेस देन 5 मिनट्स। एक बार आपने ब्रांडिंग एलिमेंट्स को चूज और शूट कर दिया, फिर जो मेन प्रोसेस है थंबनेल बनाने का वो बहुत फास्ट और इजी है। मैं मेरा थंबनेल कैनवा ऐप में बनाता हूँ, वो भी मेरे फोन में ही। मैं प्रो वर्जन को यूज करता हूँ बिकॉज उसमें बैकग्राउंड रिमूवर है जो मेरे लाइफ को बहुत आसान कर देता है और इसके वजह से आई डोंट इवन नीड फोटोशॉप। अब मैं मेरे लास्ट वीडियो के थंबनेल को रिक्रिएट करूंगा, दैट इज आई ट्राइड यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर 30 डेज। लेट्स ओपन कैनवा ऐप, क्लिक ऑन प्लस साइन, चूज यूट्यूब थंबनेल। आई क्लिक ऑन अपलोड्स बिकॉज मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड ऐड कर दिया है। इसको मैं फुल स्क्रीन में एक्सटेंड कर दूंगा। अब मेन इमेज को ऐड करूंगा, चूज इफेक्ट्स, क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर। अब मेरे मेन इमेज का बैकग्राउंड निकल गया। अब मेरे कटआउट को एक ग्लो देते हैं। चूज माय इमेज, इफेक्ट्स, शैडोज, ग्लो। मैं ब्लू कलर को चूज करूंगा। आई विल इंक्रीज साइज, ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर। अब ऐड करते हैं टेक्स्ट को, क्लिक ऑन प्लस साइन, टेक्स्ट, ऐड अ हेडिंग।
मैं टाइप करूंगा डे, ऑलवेज चूज अ बोल्ड फॉन्ट, मैं यूज कर रहा हूँ अभी मॉन्टसेरात एक्स्ट्रा बोल्ड और उसका साइज बढ़ाऊंगा, फिर मैं वही टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूंगा एंड आई विल राइट 30 एंड चेंज कलर टू येलो। अब आते हैं सपोर्टिंग विजुअल एलिमेंट्स में, फिंगर के ऊपर शॉर्ट्स का लोगो डाल दूंगा, उसमें भी ग्लो को ऐड कर दूंगा। तो मैं मेरे स्क्रीनशॉट किया हुआ इनसाइड का ग्राफ ऐड करूंगा, आई रिमूव बैकग्राउंड और उसको एनलार्ज कर दूंगा पोजीशन बैकवर्ड। अभी मुझे एरो को ऐड करना है, सो आई क्लिक ऑन एलिमेंट्स एरो, उसको थोड़ा फ्लिप कर दूंगा एंड देन आई एडजस्ट द साइज। अब लास्ट स्टेप है कैनवा में टू ऐड द स्क्रीनशॉट ऑफ माय व्यूज आफ्टर यूजिंग शॉर्ट्स फॉर 30 डेज। ऐड द स्क्रीनशॉट, क्लिक ऑन इफेक्ट्स, स्मार्ट मॉकअप्स, आई चूज पोस्टर 8 और अभी मैं एडजस्ट कर दूंगा। अभी इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा और ये डाउनलोड के लिए रेडी। अभी एक लास्ट स्टेप बाकी है बिकॉज ये इमेज अभी भी डल लग रहा है। मेरा थंबनेल शुड पॉप व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अदर थंबनेल्स। इसके लिए मैं लाइटरूम मोबाइल ऐप को यूज करूंगा टू एनहांस द पिक्चर। मैं यूजुअली ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन को इंक्रीज करता हूँ। दैट्स इट, सी द डिफरेंस। Now finally मेरा thumbnail ready हो गया। A great thumbnail is a gateway to more CTR, that is more views and overall channel success. आप जितना time और effort invest करोगे to create compelling thumbnails, उतना आपके YouTube videos के overall performance बढ़ेगा। आप ये 4-step thumbnail making process को follow करना, because it's worth a shot. ये video आपके creator friends को share जरूर करिए, और अगर आपको ऐसा content पसंद है, तो do consider subscribing to my channel. अगर आप एक beginner YouTuber हो who wants to start from scratch, ये video literally आपको एक framework देगा to succeed on YouTube. Click here to watch. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।